गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ अलग ही स्टार्ट करना है। लास्ट पूरा की जो वीडियो अपलोड हुआ था स्कूल से, वो सब क्या था, सिर्फ बेसिक्स था। अभी फर्स्ट में आए हो सीनियर से डायरेक्ट, तो कुछ बेसिक था ताकि आपको डायरेक्ट बुक्स का हार्ड ना लगे। ओके, तो आज अपने अपना बुक्स का स्टार्ट करने वाले। बुक्स कौन सा होगा आपका? एनसीईआरटी। ये वाला बुक होगा आपका मैरी गोल्ड बुक वन। ओके, एनसीईआरटी में मैरी गोल्ड बुक वन होगा स्टूडेंट्स आपका। ओके, तो उसमें आपने स्टार्ट करने वाला है यूनिट नंबर वन। यूनिट नंबर वन, अ हैप्पी चाइल्ड। फर्स्ट यूनिट आज अपने करने वाले कुछ छोटा सा पोयम है। पोयम नहीं।
house is red, a little house. My house is red, a little house. A happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun. And under it I often sing when all my day is done. Okay, ये मैंने आपको read करके दिखाया, पूरा एक बार वापस समझाने के लिए. छोटी सी child की body happy, तो वो कैसे happy? क्यों happy थी? पूरे दिन घर के बाहर ही खेलती थी. उसका house red color का था और छोटा सा घर था उसका. फिर वो कभी कभी रोती थी. फिर उसके घर के बाहर एक बड़ा सा green color का tree था. फिर वो tree क्या करता था, उसे शेर देखता था. जब भी वो खेल कर थक जाती थी तो वो कहाँ बैठती थी? ट्रीज के नीचे. फिर लास्ट कब बैठती थी? वो पूरा खेल उसका खत्म हो जाए तब. ओके, तो अभी ये तो मैंने करवा दिया है स्टूडेंट्स आपको. तो इसमें से कुछ ऐसा वर्ड्स जो है जो आपको अलग से न्यू वर्ड्स करके करना है. ओके, तो फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हो तो हाउस का स्पेलिंग लिखेंगे फर्स्ट. HOUSE. उसके बाद R E D red. उसके बाद HAWPY happy. HAWPY happy. उसके बाद LAUGH laugh.
आपका पोयम मैंने यहाँ पर लिखा है, वो समझाया भी है, हर एक वर्ड्स भी समझाया है आपको, उसमें से कुछ वर्ड्स मैंने अलग से भी आपको करवा दिया है ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये जो हैड वर्ड्स मैंने लिखवाया है वो पहले भी पोयम में से वर्ड्स आ गए, वो मैंने एक्सप्लेन करवा दिए हैं, वो आपको पता चल गया होगा। अब आपको घर पे लिखते वक्त क्या करना है, क्या लिखना है, ये पोयम नहीं, ये पोयम सिर्फ आपको वीडियो में से देखकर रीड करना है। लिखना क्या है आपको, ये 15 हार्ड वर्ड्स लिखना है, ये 15 हार्ड वर्ड्स लिखना है आपको घर पे 3 times। ये घर पे 1 to 15 हैंड वर्क्स करना है 3 times, 2 times देखकर 1 time बिना देखे।